Hello guys, good morning to you all. My name is Pandit Chandrakash and today we will see what are the books which we can cover for RRB CBT 2. आप कहाँ से प्रिपरेशन करें और किस तरह से प्रिपरेशन करें, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ आरआरबी सीबीटी 2. तो आज का जो सेशन है गाइस वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पे आज का सेशन हम ले रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑफ आरआरबी सीबीटी 2. तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि आपको सबसे पहले तो स्टडी करना है एंड आफ्टर द स्टडी रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिविजन हम कहाँ से करें और उसके बाद में प्रैक्टिस हम किस बुक से करें. सो गाइस ये तीन चीजें अगर आप फॉलो करोगे सो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सक्सेस इन द अपकमिंग आरआरबी 2 एग्जाम. तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आरआरबी सीबीटी 2 जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन आ रहा है. ठीक है गाइस, तो 100 मार्क्स को आप कैसे कवर करेंगे 105 मिनट्स में. इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन कि किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमें कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है. ठीक है, नॉन टेक पार्ट्स को हमें 15 मिनट्स के अंदर कवर करना है. मैक्सिमम ऑल द क्वेश्चंस शुड बी अटेम्प्टेड एट द मैक्सिमम टाइम ऑफ 15 मिनट्स और बाकी के जो भी टाइम है हम वो टेक्निकल सेक्शंस को देंगे. तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किस बुक को रेफर करें, हम किस बुक से अपनी पढ़ाई करें ताकि हमारा जो वे ऑफ लर्निंग है फॉर द अपकमिंग आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम वो बहुत अच्छे से हमारा हो पाए. तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है फॉर आरआरबी सीबीटी 2, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कौन से बुक हमारे लिए रिलेवेंट है, कौन कौन से बुक. रीजन इज दैट कि आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना होगा आरआरबी सीबीटी 2 के लिए. जैसे कि हमने अभी देखा है कि आरआरबी सीबीटी 2 के अंदर बहुत सारे है ना जो पैटर्न्स हैं वो क्या है कि रिसेंटली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इट इज एट दैट ट्रेंड. तो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक इन दैट बुक. तो मैं आपको जो बुक बताने जा रहा हूँ दैट इज नथिंग बट अ जूनियर जीकेपी सीरीज की आरआरबी प्राइम सीरीज है गाइज. और आरआरबी प्राइम सीरीज के अंदर जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2 2019 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग. गाइज ये बुक जो है इस बुक के अंदर बहुत ही इसके यूएसपीज हैं. सो गाइज प्लीज फॉलो दिस बुक. मैं आपको इसके अंदर एक एक चीज बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या यूएसपीज हैं एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आफ्टर स्टडिंग दिस बुक. सो गाइज प्लीज सी इट ओवर हियर कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग की ये बुक है और इसके जो फीचर्स हैं इसके अंदर 2400 प्लस क्वेश्चंस हैं गाइस. 2400 प्लस क्वेश्चंस इज मोर देन इनफ फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम. इसके अंदर पहले आप थ्योरी दी गई है, थ्योरी के बाद में कंसाइज आपको नोट्स भी दिया हुआ है, नोट्स इन द सेंस ऑफ द फॉर्मूलाज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट हैज बीन कवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. ईच एंड एवरी चैप्टर कवर्स दैट ऑल एंड आफ्टर दैट बियॉन्ड दैट हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. अराउंड 2400 प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर हमने कवर किया है. सो गाइज ये बुक एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम है एंड गाइज अगर आप इसको एक बार रीड करके थ्योरी को अगर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे देन योर कॉन्सेप्ट वुड बी वेरी क्लियर एंड यू वुड बी वेरी इजीली यू वुड बी सॉल्विंग द ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. और इसके अलावा माय रिकमेंडेशन टू यू इज दैट कि जब आप क्वेश्चन लगाएं तो सबसे पहले आप अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट करें एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग टू द एग्जैक्ट आंसर देन ओनली यू रेफर द सॉल्यूशंस. और इस बुक के अंदर खास बात यह है कि हमने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कवर किए हुए हैं. सो गाइज एक एक करके हम अपने यूएसपीज इस बुक की देखते हैं कि क्या क्या इस बुक में है इंपॉर्टेंट. गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे है कि हमने 5 फ्री मॉक टेस्ट दिया हुआ है. तो अगर आपका जैसे प्रिपरेशन हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरी पार्ट. आफ्टर रीडिंग द थ्योरी यू हैव टू वर्क ऑन द प्रैक्टिस पेपर्स एंड ऑल जो भी इसके अंदर दिया हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं दैट यू हैव टू डू. एंड आफ्टर दैट जब आपकी तैयारी आपको लगेगी एंड बहुत अच्छी हो चुकी है तो आपको 5 मॉक टेस्ट भी फ्री में दिया जा रहा है. तो गाइस आप इसको भी रेफर कर सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन ये टेस्ट होगा और आपके इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका इमीडिएट परफॉर्मेंस आपका पूरा एनालिटिकल ग्राफ के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं एंड व्हाट आर द फोकस एरिया विच यू हैव टू फोकस ऑन इट. ठीक है गाइस, इसके अलावा ये चीज है कि आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी कि आप इस एरिया में वीक हैं सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट एरिया सो दैट योर रिजल्ट विल बी इंप्रूव्ड. गाइस सो 5 फ्री मॉक टेस्ट के साथ साथ इसके अंदर 2400 प्लस क्वेश्चंस भी कवर्ड किए गए हैं फॉर द अपकमिंग आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम. तो देखते हैं अंदर इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट यूएसपीज है इस बुक की. सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर आप देखें तो ऑल द आरआरबी सीबीटी 2 सिलेबस हैज बीन कवर्ड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट एंड मटेरियल हैज बीन गिवन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. गाइस तो जो आरआरबी सीबीटी 2 का सिलेबस है वो ए टू जेड इसके अंदर कवर किया गया है एंड आफ्टर दैट
नॉन टेक पार्ट भी हमने इसके अंदर दिया गया है, जो नॉन टेक पोर्शन दैट आर 50 क्वेश्चन दैट वुड बी कम इन द एग्जाम दैट आल्सो हैज बीन कवर्ड इन दिस बुक, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है गाइज, तो अब इसके अंदर देखते हैं हम पर्टिकुलरली कि व्हाट आर द सिलेबस भी हमने दिया हुआ है कि अंदर आरआरबी सीबीटी 2 का क्या सिलेबस है, दैट आल्सो हैज बीन कवर्ड इन दिस बुक। अगर हम एक स्पेसिफिक चैप्टर को देखें, लेट अस सी अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर। सी इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने समराइज्ड वे में चीजों को दिया है एंड नॉट टॉपिक्स इधर उधर नहीं है, एक फ्लो बनेगा व्हेन यू विल रीड दिस समरी देन आफ्टर ईच एंड एवरी टॉपिक की इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक होना चाहिए, तो इस तरह से पूरे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। सो गाइज सबसे पहले है नंबर सिस्टम, वी हैव गिवन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एंड आफ्टर दैट कन्वर्जन आल्सो वी हैव एक्सप्लेन हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑल। गाइस एक एक चीज इसके अंदर कवर की हुई है एंड आफ्टर दैट यू वुड सी कि यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स, एक्सप्रेशन, जो भी थ्योरम्स हैं है ना, जितने भी मतलब डी मॉर्गन थ्योरम्स और सारे लॉज है ना किस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं वो सारा दिया गया है, एंड आफ्टर दैट ऑल द लॉजिक गेट्स हैज बीन गिवन अलोंग विद द ट्रूथ टेबल एंड अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ इट। गाइज और नैंड गेट का कैसे यूज करेंगे और नॉर गेट का कैसे यूज करेंगे, यूनिवर्सल गेट में कैसे बहुत सारे सर्किट्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑल हैव बीन गिवन। उसके बाद में फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी दिया गया है कि व्हाट आर एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लिप फ्लिप फ्लॉप, ट्रूथ टेबल उनका दिया गया है। फिर हमने काउंटर्स भी कवर किया है इसके अंदर कि काउंटर्स क्या क्या होते हैं, हाउ डज व्हाट इज एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर और व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ दिस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने वही सेट को तैयार करके रखा है जो कि आरआरबी सीबीटी 2 के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करता है, जो आरआरबी सीबीटी 2 के अंदर पूछा जा सकता है। गाइज तो हमने आरआरबी सीबीटी 2 के हिसाब से ये पूरा है ना इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर किया है, सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी है ना टाइमर्स के ऊपर भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है सर इसके अंदर, एंड आफ्टर दैट वी हैव गिवन द सोल्यूशन इन दिस। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज अ सोल्यूशन। सो गाइज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट प्लीज गो थ्रू दिस बुक। अगर आप आरआरबी सीबीटी 2 के है ना अच्छे एस्पिरेंट हैं जिसको क्लियर करना है इन एग्जाम को, अपकमिंग एग्जाम को, तो प्लीज गो थ्रू दिस बुक। दिस बुक विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग दिस सेशन। करियर लॉन्चर, मेक योर पेरेंट्स एक्सप्लोड विद जॉय।